जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित सिंह और आप सभी लोगों का सभी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोग एक स्पेशल शॉर्ट्स में पढ़ाने वाला हूं सर्वनाम के भेद, यानी सर जो हिंदी के सर्वनाम होते हैं उसके भेद। ठीक है, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं, उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए सर्वनाम को। सर्वनाम में पहला क्या होगा? पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा नंबर जो होगा निज वाचक। ठीक, अब इनका जो वर्त है यानी कि श्रेणी किस टाइप का आता है तो इस पे हम चर्चा करें। पुरुषवाचक में क्या हो जाएगा? जैसे मैं, हम, प्रथम, उत्तम, माध्यम, अन्य, ये वर्ब है। ठीक है, उसके बाद निश्चयवाचक में यह, वह, सी, वे, ये हमारा निश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक, यह का मतलब यह पास है, यह वह का मतलब दूर, ये का मतलब ये, आ दूर का मतलब वे। ठीक, अनिश्चयवाचक में दरवाजे पर कोई खड़ी है। अनिश्चयवाचक मतलब अब देखिए कोई दरवाजा कनॉक कर रहा है, ठीक है, मतलब खटखटा रहा है, तो कोई बोलेगा यही ना कि दरवाजे पर कोई खड़ी, लेकिन पता नहीं है कि कौन है, इसलिए अनिश्चयवाचक है। ठीक, प्रश्नवाचक में दरवाजे पर कौन आया है? प्रश्नवाचक में तो आपको पता है कि कहीं प्रश्नवाचक होता है तो वहाँ पर प्रश्न डायरेक्ट किया जाता है कि भाई कौन आया है या कौन हो। ठीक, तो ये प्रश्नवाचक होता है। संबंधवाचक, संबंधवाचक में क्या हो जाएगा? जो, सो, जितना, उतना, जैसे, ये संबंधवाचक हो जाएगा। ठीक, निजवाचक में खुद ही, खुद से। ठीक, तो ये हिंदी का स्पेशल शॉर्ट कैसा लगा है आपको आप जरूर बताइएगा। ठीक, और ये है सर्वनाम के भेद। तब कहूँगा कि हिंदी भी क्या है, स्ट्रांग है। ऐसे स्ट्रॉन्ग की मजबूती के साथ हमें पढ़ना भी है। तब तक के लिए जय हिंद।